हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की, और किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, लेज़र बीम वेल्डिंग आपकी क्या होती है। फिर हम बात करेंगे प्रतिरोध बट वेल्डिंग की, उसके बाद बात करते हैं ऑफसेट बट वेल्डिंग की बात करेंगे, फिर बात करेंगे फ्लैश बट वेल्डिंग। इन्हीं सब वेल्डिंग्स के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है दोस्त। अगर चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की इससे पहले कई सारी वीडियोस हम बना चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की और थर्मल इंजीनियरिंग की भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड, वीडियो को कर लेते हैं अब स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी जो लेज़र बीम वेल्डिंग है वो क्या होती है। तो जान लेते हैं लेज़र बीम वेल्डिंग आपकी क्या होती है। जो आपकी लेज़र बीम वेल्डिंग होती है वो क्या है, लेज़र बीम वेल्डिंग प्रक्रिया में लेज़र के द्वारा निकलने वाली तरंगों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा द्वारा पूर्ण की जाती है। जो आपकी लेज़र बीम वेल्डिंग है, लेज़र बीम वेल्डिंग में लेज़र के द्वारा निकलने वाली जो आपकी तरंगे होती हैं उनके द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होती उसी से जो आपकी वेल्डिंग की प्रोसेस होती पूरी उससे पूरी संपूर्ण की जाती है, ठीक है दोस्त। तो क्या है, लेज़र बीम वेल्डिंग भी अप्राकृतिक वेल्डिंग प्रक्रिया की श्रेणी में आती है। जो आपकी लेज़र बीम वेल्डिंग है वो भी एक अप्राकृतिक वेल्डिंग की श्रेणी में आती है। इस प्रक्रिया में रेडिएशन द्वारा उच्च प्रकाश पुंज उत्पन्न किया जाता है। फ्रेंड, आपको लेज़र बीम वेल्डिंग आयोग समझ में आई होगी, बहुत सिंपल सी क्या है, लेज़र बीम वेल्डिंग प्रक्रिया में लेज़र के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं ऊष्मा द्वारा पूर्ण की जाती है। जो तरंगे उत्पन्न होती है उससे जो ऊष्मा है जनरेट होती है उसके द्वारा हम लेज़र बीम वेल्डिंग क्या करते हैं पूर्ण करते हैं। और ये कौन सी वेल्डिंग आपकी, एक अप्राकृतिक वेल्डिंग की श्रेणी में आती है। इस प्रक्रिया में रेडिएशन द्वारा उत्पन्न प्रकाश पुंज उत्पन्न किया जाता है। तो इसका एक डायग्राम है उससे समझ लेते हैं आपकी लेज़र बीम वेल्डिंग क्या होती है। और ये हर साल 5 नंबर पर आपसे पूछी जाती है दोस्त, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है, क्या करना है आपको, छोटा सा इसमें लिखना है और उसके बाद क्या करना है, डायग्राम जरूर बनाना है। तो इसका जो डायग्राम है दोस्त उसे देख लेते हैं लेज़र बीम वेल्डिंग का। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं लेज़र बीम वेल्डिंग का, ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इनपुट है, यहाँ पर ये आपको सप्लाई दी जाती है, ठीक है दोस्त। उसके बाद क्या है वो भी देख लेते हैं, और ये क्या है, कैपेसिटर बैंक, ये आपका कैपेसिटर बैंक है ये, ठीक है दोस्त। और ये क्या है आपकी, कूलिंग सिस्टम, ये आपकी जो है ये वाली लाइन है, ये कूलिंग सिस्टम है। और ये आपका मिरर लगा हुआ है यहाँ पर रिफ्लेक्टर के लिए, जो इस चीज़ का कार्य करता है, रिफ्लेक्टर का कार्य करता है, ठीक है दोस्त। ये आपका क्या है, ऑप्टिकल कैविटी है, ये आपकी जो जिनमें लाइनिंग अंदर है ये आपकी ऑप्टिकल कैविटी है। ये आपका फ्लैश ट्यूब है, और ये क्या है, लेज़र क्रिस्टल है आपका, जिसको रूबी भी बोलते हैं। और यहाँ पर फिर से एक आपका मिरर लगाया गया हुआ है, ये क्या है, मिरर सरफेस है आपकी। और ये आपकी जा रही है लेज़र बीम, जिसके द्वारा क्या होती है, वेल्डिंग होती है। और यहाँ पर एक क्या किया गया, फोकस लेंस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर फोकस लेंस का प्रयोग इसलिए किया गया हुआ है, यहाँ से जो लेज़र बीम निकलती है वो काफ़ी थोड़ी दूर दूर होती है, उसको जब फोकस लेंस का लगा देते हैं तो जिस जहाँ पर हमें वेल्डिंग करनी होती है, जिस वर्क पीस पर, तो यह हमारा वर्क पीस है, तो देखिए बिल्कुल उसी जगह पर हमारी फोकस लेंस का प्रयोग करने के बाद बिल्कुल फोकस हो जाता है। तो एक ही जगह पर जिसकी लेज़र बीम होती है वहीं पर गिरती है, तो क्या है, फोकस लेंस, और ये वर्क पीस है। ऐसी के थ्रू हमारी जो है लेज़र बीम वेल्डिंग होती है। अब नेक्स्ट वेल्डिंग जो है उसकी बात कर लेते हैं, क्या है। तो आपको लेज़र बीम वेल्डिंग आई होप समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध बट वेल्डिंग आपकी क्या होती है। बहुत सिंपल सी है, जो आपकी प्रतिरोध बट वेल्डिंग है, इस विधि में कार्यखंडों के सिरों को आमने सामने रखकर प्रतिरोध वेल्डिंग की जाती है। तो प्रतिरोध बट वेल्डिंग क्या होती है, प्रतिरोध बट वेल्डिंग वो है, इस विधि में कार्यखंड के सिरों को आमने सामने रखकर प्रतिरोध बट वेल्डिंग की जाती। मतलब कैसे, मान लीजिए आपका एक वर्क पीस ये है और एक वर्क पीस आपका ये, इन दोनों को बिल्कुल आमने सामने रखकर बट वेल्डिंग की जाती है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्त, अपसेट बट वेल्डिंग क्या होती है। इम्पॉर्टेंट है ये आपकी अपसेट बट वेल्डिंग, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पहले से इम्पॉर्टेंट लगा हुआ है। जो आपकी अपसेट बट वेल्डिंग है उसे देख लेते हैं क्या है, ये देखिए इम्पॉर्टेंट पहले से लगा हुआ है। अपसेट बट वेल्डिंग आपकी क्या होती है, इसकी बात करते हैं। अपसेट बट वेल्डिंग में कार्यखंडों के सिरों को आमने सामने मिलाकर वेल्डिंग मशीन
के क्लैंप में मजबूती से पकड़ा जाता है। जो आपकी अपसेट बट वेल्डिंग है, इसमें जो आपके कारखंड है जिनको आपको जोड़ना होता है, बिल्कुल उनको आमने सामने मिलाकर पहले से ही रख दिया जाता है। उसके बाद जो आपकी क्या होती है, वेल्डिंग प्रोसेस की जाती है। जो आपके वर्क पीस है, मान लीजिए ये आपके दो, एक वर्क पीस ये और एक वर्क पीस ये, आपका दोनों को पहले से ही मिलाकर आपस में रख दिया जाता है और उनको क्लैंप कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपकी वेल्डिंग की आगे की प्रोसेस होती है उसे स्टार्ट किया जाता है। उसकी जो आगे की प्रोसेस होती है वो क्या होती है उसे देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, वैद्युत धारा प्रवाहित करने में कारखंडों के सिरों पर उच्च स्पर्श प्रतिरोध के कारण पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जो आपका कार्यखंड के सिरे पर उच्च स्पर्श प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप सिरों का जो तापक्रम है वो गलनांक बिंदु तक पहुंच जाता है। जो इसका टेम्परेचर होता है वो उसके गलनांक बिंदु तक पहुंच जाता है, और इसी अवस्था में कुछ समय तक समान दाब रखने पर जो आपके दोनों कार्यखंड होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में परस्पर वेल्ड हो जाते हैं। सीधा सा आपको याद क्या करना है, इसमें जो आपकी कौन सी अपसेट बट वेल्डिंग है, इसमें आपको क्या याद रखना है, जो इसमें आपके कार्यखंड हैं, वर्क पीस हैं, दोनों को बिल्कुल आमने सामने पहले से ही रख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी वेल्डिंग की आगे की प्रोसेस होती है वो की जाती है, विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है। उसके गलनांक बिंदु तक पहुँचने पर कुछ समय तक वहाँ पर वेट किया जाता है, गलनांक बिंदु तक प्रेशर दिया जाता है। उसके बाद जो आपके दोनों कार्यखंड होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये आपकी क्या थी, अपसेट बट वेल्डिंग। अब इसको डायग्राम से दोस्त समझ लेते हैं, अपसेट बट वेल्डिंग आपकी क्या होती है। तो दोस्त यहाँ पर अपसेट बट वेल्डिंग का एक डायग्राम दिख रहा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, ये अपसेट बट वेल्डिंग का आपका एक डायग्राम है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपको एसी सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, और ये क्या है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, ये आपके वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। और ये आपके एक वर्क पीस आपका ये है और एक वर्क पीस आपका ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों वर्क पीस को वेल्डिंग करने से पहले ही मिलाकर आपस में रख दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर जो बीच में है ये आपका क्या है, मेटल पार्ट्स ऑफ जॉइंट्स हैं ये सब आपके। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ से प्रेशर दिया जाता है और क्लैंप कर दिया जाता है। और ये आपका जो एक मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है और एक आपका ये वाला फिक्स इलेक्ट्रोड होता है। तो यही पूरी प्रोसेस होती है अपसेट बट वेल्डिंग करने की। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्त। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारे पीडीएफ नोट सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्त आपकी जो फ्लैश बट वेल्डिंग है वो क्या होती है, बिल्कुल इसी तरह होती है, बस छोटा सा डिफरेंस होता है अपसेट बट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग में आपकी। तो बात कर लेते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग आपकी क्या है। जो फ्लैश बट वेल्डिंग है, इस विधि में जोड़े जाने वाले कार्यखंड को सिरों को मिलाते हुए नहीं रखा जाता है। मतलब दोस्त कहने का इनका मतलब ये, जो आपकी फ्लैश बट वेल्डिंग है इसमें जो कार्यखंड है आपके, जो जोड़ने वाले जो आपके सिरे, इनको पहले से मिलाकर नहीं रखा जाता है, जैसा कि हम अपसेट बट वेल्डिंग में पहले से ही मिलाकर रख देते थे। जो कि फ्लैश बट वेल्डिंग में ऐसा नहीं है, इसमें जो आपके कार्यखंड जो हमें जोड़ना होता है उनको पहले से मिलाकर सिरों को मिलाकर नहीं रखते हैं, लेकिन कार्यखंडों के सिरों को धीरे धीरे मिलाया जाता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं अपसेट फ्लैश बट वेल्डिंग में, कारखंडों के सिरों को पहले से मिलाकर नहीं रखा जाता है। जब हम वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उनको धीरे धीरे मिलाते हुए रखा जाता है। जब विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है, इस आर्क उत्पन्न करने की विधि को आर्क विधि कहते हैं। ठीक दोस्त, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे की बात कर लेते हैं, इसके बाद इसको डायग्राम से भी समझा दूंगा। विद्युत आर्क द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से तापमान जब गलनांक तक पहुँच जाता है तो कारखंडों के सिरों को उन पर दाब लगाकर वेल्ड पूरा किया जाता है। तो अपसेट बट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, जो आपकी अपसेट बट वेल्डिंग है उसमें जो आपके कार्यखंड के जो सिरे होते हैं वो पहले से ही मिलाकर रख दिए जाते हैं। जो आपकी फ्लैश बट वेल्डिंग है उसमें जो आपके कार्यखंड के सिरे होते हैं वो पहले से मिलाकर नहीं रखे जाते हैं। जब आपकी वेल्डिंग प्रोसेस की जाती है तब धीरे धीरे मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो बस एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी डिफिनेशन पूरी वही है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसका जो डायग्राम है उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक फ्लैश बट वेल्डिंग का डायग्राम देख रहे हैं। जैसा मैंने बताया, जो आपकी फ्लैश बट वेल्डिंग है तो जिसमें आपको जो वर्क पीस होते हैं दोस्त, ये आपका एक वर्क पीस ये वर्क पीस ये, इन दोनों को आपको आपस में जोड़ना है। तो जो आपकी वर्क पीस है उनको पहले से मिलाकर जोड़कर एकदम नहीं रखा जाता है, जो कि अपसेट बट वेल्डिंग पर रखा जाता था। ठीक है, तो अलग अलग पहले से रखे हुए जब वेल्डिंग प्रोसेस की जाती है तब किया जाता है। तो ये आपका मूवेबल क्लैंप है और ये आपका फिक्स क्लैंप होता है। ठीक है, और ये आपका फ्लैश है।
फ्लास्क, ठीक है। और ये आपका क्या एसी पावर सप्लाई या फिर ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं, देखिए बोला भी क्या है। तो आपको पूरी समझ में आ गई फ्लैश बट वेल्डिंग आपकी क्या होती है और अपसेट वेल्डिंग क्या होती है। अब नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं दोस्त। ये भी आप डायग्राम देख सकते हैं, लाइन डायग्राम है, आप इसको एग्जाम पर बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेन जो आपको नंबर मिलते हैं वो डायग्राम के ही मिलते हैं दोस्त। अब अगर बात करें हम लोग दोस्त स्पॉट वेल्डिंग आपकी क्या होती है, तो आपने पढ़ रखा होगा स्पॉट वेल्डिंग आपकी होती क्या है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूँ, बहुत ही सीधे शब्दों में समझाने वाला हूँ और बहुत आसानी से आपको आने वाली है। जो आपका वेल्डिंग का चैप्टर, इससे 10 से 20 नंबर का तो पूछा ही जाता है यार, क्योंकि मान लीजिए आपके 5 चैप्टर हैं और वेल्डिंग ही चैप्टर आपका सबसे बड़ा है, तो 20 नंबर का इसी से ले लीजिए, बाकी के 4 चैप्टर से बचा 30 नंबर का हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं स्पॉट वेल्डिंग, इसके नोट्स आप लोग प्रॉपर बनाते जाइए, वीडियो को पॉज करके सब लिखते जाइए, फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं स्पॉट वेल्डिंग आपकी क्या होती, देखिए जो आपकी स्पॉट वेल्डिंग है इसमें तांबे के 2 इलेक्ट्रोड्स प्रयोग किए जाते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में सबसे पहले आपको क्या याद करना है, तांबे के इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, जो चल तथा स्थिर भुजाओं में जकड़े होते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में 2 इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, जो कि किस चीज़ के बने होते हैं दोस्त, तांबे के बने होते हैं, ठीक है। और इसमें एक फिक्स भुजा आर्म होती है इसकी और एक मूवेबल आर्म होती है, जिसमें इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, पकड़े जाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोड एक स्टेप डाउन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से निम्न वोल्टता 6 से 10 वोल्ट टेस्ट पर उच्च धारा 300 से 600 एम्पियर प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्त। इसमें रिविट का डिज़ाइन बदले बिना जोड़ लगाया जा सकता है, तो जो इसमें आपके वर्क पीस हैं जिन रिविटों को हम जोड़ रहे हैं, इनका डिज़ाइन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, चेंजमेंट नहीं होता है, फिर भी जोड़ क्या होता है हम लगा सकते हैं, मतलब दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। इसमें वेल्डिंग कार्य तेज़ी से होते हैं, जो कि निम्न चरणों में पूरा होता है, जो आपकी वेल्डिंग प्रोसेस है बहुत जल्दी से होती है और इसमें इसके जो है वो निम्न चरणों में पूरे किया जाते हैं। तो उनके जो स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद इसको भी डायग्राम से समझा दूंगा। तो इसके जो कुछ स्टेप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कार्यखंड को उचित अवस्था में इलेक्ट्रोड के बीच रखना चाहिए। तो इनके फर्स्ट स्टेप का कहने का मतलब है, जब आपको जिस वर्कपीस को आपको जोड़ना है, कार्यखंड को जिसको आपको जोड़ना है, तो जो इसके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि तांबे के बने होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल इसको आपको सही स्थिति में रखना है, ताकि आसानी से वेल्ड हो सकें। नेक्स्ट क्या है, फुट पैडल को दबाकर इलेक्ट्रोड्स को कार्यखंड के संपर्क में लाना है। फुट पैडल जो होता है आपको उसको दबाकर इलेक्ट्रोड्स को कार्यखंड के संपर्क में आपको लाना होता है। नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होता है, करंट ऑन करके तथा इसे ठीक समय के लिए जोड़ में से गुजार कर संपर्क प्रतिरोध द्वारा दोनों प्लेटों के मध्य बिंदु पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जो आपका फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनका जो इनका करंट है उसे ऑन कर देते हैं और ठीक समय के लिए जोड़ों में से गुजार कर संपर्क प्रतिरोध द्वारा प्लेटों के मध्य से बिंदु पर ऊष्मा को क्या करते हैं, उत्पन्न कराते हैं। और जो इनका नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ क्या है उसको देख लेते हैं, जोड़ी जाने वाली प्लेटों पर पर्याप्त दाब लगाना। दाब तब तक रखा जाता है जब तक वेल्ड जमकर ठोस ना हो जाए। तो जोड़े जाने वाली जो दोनों प्लेटें होती हैं उन पर प्रेशर लगाते हैं, यह दाब तब तक रखा जाता है जब तक दोनों जो प्लेटें होती हैं आपस में जुड़ नहीं जाती हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, लाइन डायग्राम है और डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। स्पॉट वेल्डिंग का डायग्राम, इसको मैं अच्छे से डायग्राम से आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये आपका स्पॉट वेल्डिंग का डायग्राम है। ये आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये आपका ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और ये एसी सप्लाई इसको दी जा रही है। ये इसका पूरा फ्रेम है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर ये प्रेशर है, ये आपकी मूवेबल आर्म है ये वाली होती है, और ये आपकी फिक्स आर्म होती है। आपके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया था, ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोड है, ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रोड है। जो आपके इलेक्ट्रोड बने होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, वो आपके तांबे के इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है दोस्त। और ये आपका वर्क पीस है, और इसी के बीच से आपकी आर्क जनरेट की जाती है। तो पूरा स्पॉट वेल्डिंग आपको समझ में आई विद डायग्राम से।
तो ये डायग्राम आपको बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले ही आप वहाँ पर चार लाइन लिखिए, अगर डायग्राम आप बना देते तो एग्जामिनर को पूरा क्लियरली समझ में आ जाता है, हाँ इस बंदे के पास नॉलेज है इस चीज़ की। ठीक है दोस्तों, डायग्राम पर ज़्यादा फोकस करिएगा। तो हम नेक्स्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं। अब सीम वेल्डिंग क्या होती है आपकी, उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको स्पॉट वेल्डिंग समझ में आ गई तो सीम वेल्डिंग भी समझ में आने वाली है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, एक छोटा सा डिफरेंट। जैसे अपसेट बट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग में छोटा सा डिफरेंस था, वैसे ही सीम वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्त आपकी जो सीम वेल्डिंग है वो क्या है उसकी बात करें, तो दोस्त अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और बुक की PDFs वगैरह भी सब कुछ डाले जा रहे हैं टेलीग्राम पर। तो दोस्त बात करने वाले हैं आपकी सीम वेल्डिंग क्या होती है। देखिए, सीम वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग का ही विकसित रूप है। सीम वेल्डिंग को स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। देखिए, हमने आपसे क्या बताया, अगर आपको स्पॉट वेल्डिंग समझ में आ गई तो सीम वेल्डिंग आने वाली है। जो आपकी सीम वेल्डिंग है वो स्पॉट वेल्डिंग का ही एक क्या है, विकसित रूप है। ठीक है, सीम वेल्डिंग को हम स्पॉट वेल्डिंग कह सकते हैं। देखिए, सीम वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग के दो निकोले इलेक्ट्रोड के स्थान पर दो घूर्णी वक्र इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। देखिए, जो आपकी स्पॉट वेल्डिंग है उसमें हम दो नुकीले इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, जो कि कॉपर का बना होता है, तांबे के बने होते थे। ठीक है, अब हम सीम वेल्डिंग में क्या प्रयोग करने वाले हैं, सीम वेल्डिंग में हम क्या करने वाले हैं, दो घूर्णी वक्र इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे, ना कि नुकीले इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करेंगे। मतलब वो गोल इलेक्ट्रोड होंगे, उनका हम प्रयोग करेंगे। अभी इसको डायग्राम से भी आगे समझाऊंगा, बस एक छोटा सा यही डिफरेंस, बाकी पूरी डिफिनेशन वही है। तो यांत्रिक दाब मैकेनिकल प्रेशर के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया, सीम वेल्डिंग जो है वो स्पॉट वेल्डिंग का एक विकसित रूप है, इसको हम स्पॉट वेल्डिंग भी कह सकते हैं। सीम वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग के दो निकीले इलेक्ट्रोड के स्थान पर दो घूर्णी इलेक्ट्रोड का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यांत्रिक दाब के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब इसके आगे की जो डिफिनेशन है बाकी आपकी पूरी सेम वही होने वाली है दोस्त, क्या है देख लेते हैं। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड में धारा प्रवाहित कर, जाहिर सी बात है सब आपको करना है, वेल्डिंग जब आप करेंगे तो धारा को तो सप्लाई आपको करना है। ठीक है, पर कार्य खंडों को ठीक प्रकार मिलाकर घुमाते हुए इलेक्ट्रोडों के बीच दबाकर आगे की ओर ढकेला जाता है, और धारा तथा संपर्क प्रतिरोध के कारण इलेक्ट्रोड के बीच कार्यखंड। तो देखिए, आपके उसमें जो नुकीले इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया था, इसमें आपके घूर्णी इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया था। जो आपका कार्यखंड होता है, जो आपके दोनों घूर्णी इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके मध्य से वर्कपीस को ढकेल कर निकाला जाता है, और दो जोन होते हैं वो आपस में फिर वेल्ड होने लगते हैं। आगे की देख लेते हैं, उसके बाद इसको फिर डायग्राम से भी समझाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं का तापमान लगातार गलनांक बिंदु तक पहुँचता रहता है। जब आपका इसका टेम्परेचर गलनांक बिंदु तक पहुँच जाएगा तो इसका क्या करना है, कुछ टाइम तक आपको वहीं पर रुकना है। उसके बाद जब दोनों आपस में वेल्ड हो जाएं, दबाव के कारण जो होता है वेल्डिंग हो जाती है, उसके बाद आपको प्रोसेस पूरी रोक देनी, आपके जो वर्क पीस थे वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक लाइन डायग्राम है, इससे भी आप समझ सकते हैं, या फिर आपको हम इसका जो सीम वेल्डिंग का पूरा डायग्राम है इसे दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये आपका सीम वेल्डिंग का एक डायग्राम है। इससे अगर आप समझना चाहें दोस्त, तो ये क्या है, हमने आपको क्या बताया था, सीम वेल्डिंग में आपके दो घूर्णी इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो वही है आपके घूर्णी इलेक्ट्रोड, एक ये है, एक ये है, ये कौन सा अपर इलेक्ट्रोड व्हील है, ठीक है, और ये कौन सा लोअर इलेक्ट्रोड व्हील है दोस्त। और जो दोनों इलेक्ट्रोड की जो डायरेक्शन होती है वो विपरीत होती है। ये देखिए ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे चल रहा है, दोनों की डायरेक्शन विपरीत रहेगी, ये आपको याद रखना है। और आपका क्या है, ये आपका वर्क पीस है दोस्त, ठीक है, ये आपका क्या है, ये वर्क पीस है। और जहाँ पर ये बीच वाली लाइन देख रहे हैं ना हल्की सी, तो ये क्या है, ये वेल्ड हुआ है, यहाँ पर ये वेल्ड हो रहा है। वेल्डिंग किस में की जा रही, वेल्डेड मेटल सीट, ठीक है, ये क्या है, स्लाइडिंग कंटेंट है ये आपके, ठीक है, ये एसी पावर सप्लाई दी गई है। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या है, सीम वेल्डिंग में हम दो घूर्णी इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते हैं, जिनकी क्या होती है, दिशा विपरीत होती है, और उसके दोनों के मध्य से हम क्या करते हैं,
वर्क पीस को, कार्यखंड को गुजारते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, प्रेशर के कारण ये दोनों क्या होते हैं, आपस में वेल्ड हो जाते हैं। जब ये कुछ इनका जो टेम्परेचर होता है गलनांक बिंदु तक पहुंच जाता है, कुछ टाइम तक हम वहीं पर रुकते हैं जब ये आपस में दोनों वेल्ड हो जाते हैं, उसके बाद हम पूरी प्रोसेस को हटा बंद कर देते हैं और हमारी जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है और जो हमारे जो वर्क पीस दोनों होते हैं वो वेल्ड हो जाते हैं। आप यहाँ पर दो डायग्राम देख रहे होंगे, या तो आप ये डायग्राम बना दीजिए ये वाला दोस्त, या फिर आप ये वाला। तो मेरा कहना है आप ये वाला सिंपल सा डायग्राम बनाइए और ये वाला आपका थोड़ा टफ डायग्राम बनता है बनाने का। ये देखिए यहाँ पर एक फिट स्विच भी दिया गया हुआ होता है। अगर इससे समझने की आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वही सीधी सी बात है, आपका जो क्या है इलेक्ट्रोड है, घूर्णी इलेक्ट्रोड दो लगे हुए, ये आपका वर्क पीस है बीच वाला दोस्त, ठीक है, और ये आपका वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, मतलब कि वेल्डिंग पूरी मशीन्स है जो इसकी प्रोसेस रहती है। इसमें जो आपका वर्कपीस को हम डालते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, प्रेशर के कारण दोनों जुड़ जाते हैं, यही सब आपका स्पॉट वेल्डिंग है। दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।